वो 60 और 70 के दशक की बॉलीवुड की मशहूर और दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिन्होंने 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो जब थिरकती थीं, तो मानो पूरी फिजा झूमने लगती थी और दर्शकों के अंग अंग में रोमांच पैदा हो जाता था। मेरे बेरी के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा, हाय कांटा चुभ जाएगा। उन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कलाकारों के साथ काम किया और खूब शोहरत और दौलत कमाई। मैं शायर तो नहीं, मगर लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अदाकारा की एक कॉमेडियन के साथ शादी की अफवाह से अचानक इन्हें नफरत की नजरों से देखा जाने लग गया और बॉलीवुड में सबने इन्हें काम तक देना बंद कर दिया था। और तुम भी तो मुफ्त में आती जाती नर्सों को ताड़ते रहते हो, अगर किसी की जरूरत में गिरफ्तार हो गए तो मैं कहाँ गिराऊंगी। क्या आप मानेंगे कि एक जाने माने डायरेक्टर ने इनसे धोखे से शादी की और अपने शादीशुदा व बाल बच्चेदार होने की बात को छुपाकर इन्हें गहरा सदमा दिया था? उसकी कोई जरूरत नहीं, आपकी शादी मेरे पति से हो चुकी है, बोलिए ये सच है या नहीं। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अभिनेत्री के सामने कभी माँ ना बनने की अजीबोगरीब शर्त रखी गई, जिससे ये आजीवन बेऔलाद रहे? यही कारण था कि मैंने तुझसे आज तक ये राज छुपाए रखा कि तूने तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। कौन थी वो अदाकारा और क्यों उनकी फीस होती थी लीड हीरोइन से भी ज्यादा, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। किसी भी फिल्म में नायक या नायिका की जितनी अहम भूमिका होती है, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल उसमें किसी खलनायक, वैम्प या एक डांसर की भी होती है। आज के दौर में भले ही फिल्मों के बनने का तरीका कुछ अलग हो गया हो, लेकिन पहले जो फिल्में बनाई जाती थी उनमें इनको ध्यान में रखते हुए ही खास तरीके से किरदार गढ़े जाते थे और फिल्मों के हिट होने में भी इनकी अहम भूमिका होती थी। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कलाकार की जिनकी वजह से फिल्में हिट होने की गारंटी मानी जाती थी और जिनकी फीस उस दौर की नायिकाओं से भी ज़्यादा मानी जाती थी। तो ये कलाकार हैं अरुणा ईरानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। तो आज के अपने शो में हम अरुणा ईरानी की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ बेहद दिलचस्प किस्सों की बात करेंगे। दिल भर दिल से प्यारे, दिल भर दिल की सुनता जा रे, दिल भर सारी दुनिया हा। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली अरुणा ने एक बाल कलाकार, कॉमेडियन, खलनायिका, हीरोइन और चरित्र अभिनेत्री के रूप में एक लंबे समय तक फिल्मों में काम किया, तो साथ ही एक बेहतरीन डांसर की भी पहचान बनाई। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन थी अरुणा ईरानी और इनका आना कैसे हुआ था फिल्मी दुनिया में। अरुणा ईरानी का जन्म मुंबई में 3 मई 1952 में हुआ था। उनके पिता थे फरेदून ईरानी, जो कि एक ईरानी पारसी थे। अरुणा की मां का नाम था शगुना, जो कि एक मराठी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थीं। अरुणा ईरानी 7 भाई बहन थीं, जिनमें से ज्यादातर भाई बहन फिल्मी दुनिया से ही जुड़े हुए हैं और कुछ तो काफी मशहूर भी हैं, जिनकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। अरुणा ईरानी के पिता की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। वो एक छोटी सी थिएटर कंपनी चलाते थे, जिससे घर का गुजारा चलाना काफी मुश्किल होता था और यही वजह है कि अरुणा ईरानी की पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हो पाई। वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थीं और काफी समझदार थीं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे घर चलाने में पिता की कुछ मदद हो जाए। इसीलिए छोटी सी उम्र में ही कंधे पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ लिए वो अलग अलग फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने लगी। मेहनत रंग लाई और महान एक्टर दिलीप कुमार की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म गंगा जमुना में 1961 में उन्हें पहला मौका दिया। तब अरुणा की उम्र मात्र 9 साल थी और इस तरह हुई फिल्मों की मायावी दुनिया में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अरुणा ईरानी की एंट्री। इसके बाद के कुछ साल बेबी अरुणा के लिए बेहद संघर्ष भरे रहे।
उन्हें फिल्मों में काम मिलने में इसलिए मुश्किलें आ रही थीं क्योंकि वो तब ना ही बाल कलाकार के लिए उतनी छोटी थीं और ना ही एक एक्ट्रेस के लिए उतनी बड़ी हुई थीं। खैर, फिर भी कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलते रहे और घर का गुजारा चलता रहा। इस दौरान उन्होंने जो फिल्में की उनमें जहां आरा, नर्तकी, गंगा की लहरें, फर्ज, उपकार और अनपढ़ आदि प्रमुख थीं। मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मत जाना, पर ये तो बता, तू रो क्यों रही है? मुझे मास्टर जी ने मारा। अरुणा ईरानी कहती थी कि तब मुझे फिल्मों में हीरोइन बनने का कोई शौक नहीं था, मैं तो बस ढेर सारे पैसे कमाना चाहती थी जिससे अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकूं। और यही वजह थी कि उस दौरान जिस भी फिल्म में चाहे जैसे भी रोल मिले वो मैंने एक्सेप्ट कर लिए। दीदी, क्या किशोर को मालूम है कि मेरी टांगें खराब हैं और मैं चल फिर भी नहीं सकती? अरुणा ईरानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके करियर को बनाने में जाने माने कॉमेडियन महमूद ने उनकी काफी मदद की थी और फिर कॉमेडी किंग महमूद के साथ उनकी जोड़ी भी बनी। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि महमूद के साथ उनका कुछ अलग और गहरा रिश्ता था। जो औलाद, हमजोली, नया जमाना जैसी फिल्मों में सिल्वर स्क्रीन पर भी नजर आया और दर्शकों ने खूब पसंद भी किया। चुनरी धर के किनारे परी नदिया नहाए, चुनरी धर के। वो महमूद ही थे जिनकी वजह से अरुणा ईरानी को अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल करने का मौका मिला और ये फिल्म हिट भी रही। देखा ना है रे, सोचा ना है रे, रख दी निशाने पे जान। लेकिन अरुणा ईरानी ने कहा था कि करियर बनाने के साथ साथ ये महमूद ही थे जो उनके करियर के पतन के लिए भी जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि दरअसल लोगों में न जाने कैसे ये अफवाह उड़ी कि हम दोनों ने आपस में शादी कर ली है। तभी फिल्म इंडस्ट्री में लोग अरुणा जी से नाराज हो गए और कारवां और बॉम्बे टू गोवा जैसी हिट फिल्में देने के बावजूद उन्हें 2 साल तक कोई काम नहीं मिला। खैर, एक लंबे अरसे बाद अरुणा जी के पास राज कपूर जी का फोन आया और उन्हें फिल्म बॉबी का ऑफर मिला। शायर तो नहीं, मगर इसके बाद उनका करियर फिर चल निकला और धीरे धीरे काम मिलने लगे और एक समय तो ऐसा आया कि वो उस समय की लीड एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा फीस लेने लगी। फिर तो उन्होंने कई ऐसे रोल निभाए जो आज तक लोगों के जहन में बैठे हुए हैं। अपने अंदाज और नृत्य से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाली इस अभिनेत्री की फिल्मों में एक अलग ही पहचान बन गई, जिसके बिना जैसे फिल्में ही अधूरी मानी जाती थी। बताते हैं कि अरुणा ईरानी ने इंडस्ट्री में आने वाले नए अभिनेता अभिनेत्रियों की भी काफी मदद की क्योंकि उन्हें अपने शुरुआती दिन अभी भी याद थे। उन्होंने फर्ज में जितेंद्र, बॉबी में ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया, सरगम में जया प्रदा, लव स्टोरी में कुमार गौरव और रॉकी में संजय दत्त की भी काफी मदद की थी। तुमने क्या किया मेरे साथ? पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लिए, गले में मंगलसूत्र डाला और जिंदगी भर हिफाजत करने का वादा 2,000 रुपए में बेच डाला। लेकिन वो कहते हैं ना, दूसरों का भला करने में कभी कभी हम ही पीछे रह जाते हैं। बस यही उनके साथ भी हुआ। उनका दुर्भाग्य ये रहा कि ये सभी सुपरस्टार बन गए और अरुणा सपोर्टिंग एक्ट्रेस बनकर रह गईं। हालांकि उन्हें शानदार अभिनय के लिए 2 बार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड भी मिला, लेकिन लोगों का मानना है कि ये उनकी प्रतिभा के हिसाब से बहुत कम था। तो पूछा करता था ना कि मैं तेरे माथे पर राख का टीका क्यों लगाती हूँ? ये राख कोई मामूली राख नहीं, ये तेरे पिता की चिता की राख है। 70-80 के दशक के दर्शक और क्रिटिक्स भी ये मानते हैं कि हीरोइन बनने के सारे गुण अरुणा में मौजूद थे, लेकिन खराब किस्मत और कुछ गलत फैसलों और फिल्मों में राजनीति होने से वो केवल चरित्र अभिनेत्री के रूप में ही अपनी पहचान बना पाई। अरुणा ईरानी ने 90 के दशक से बेटा और राजा बाबू जैसी फिल्मों से माँ का किरदार निभाना शुरू किया और बेटा के लिए उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। मुझसे मुकाबला करना चाहती थी, जानती नहीं मैं नागिन हूँ और नागिन अपने बच्चे तक को खा जाती है। इसके अलावा अरुणा ईरानी ने अपने फिल्मी करियर में दर्जनों गुजराती, कन्नड़ और मराठी फिल्मों में भी काम किया।
वहीं उन्होंने बड़े पर्दे के बाद छोटे पर्दे का रुख करने में भी कोई परहेज नहीं किया और साल 2000 में धारावाहिक जमाना बदल गया से छोटे पर्दे पर एक्टिंग की शुरुआत की और इस नई दुनिया में भी छा गईं। उन्होंने कहानी घर घर की, झांसी की रानी, देखा एक ख्वाब, परिचय, संस्कार, धरोहर अपनों की जैसे सुपरहिट सीरियल्स में अभिनय किया और नए अंदाज में अपनी कला की छाप छोड़ी। वो आज भी टेलीविजन की दुनिया में सक्रिय हैं, जो दूसरे कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है। चलिए अब बात करते हैं अरुणा ईरानी की शादी और इससे जुड़े कुछ विवादों की। अरुणा ईरानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी शादी 1990 में जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर पप्पू कोहली से हुई थी। तब इनकी उम्र 38 साल की थी, लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए ये कहा था कि जब इनकी शादी हो रही थी उस समय इन्हें पता नहीं था कि इनके पति कुक्कू कोहली पहले से शादीशुदा और बच्चों के पिता भी थे और उनको ये जानने के बाद गहरा सदमा लगा था। उन्होंने बताया कि उनकी और कुकू की लव स्टोरी फिल्म सेट पर बहुत सारे झगड़ों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जल्द ही एक रोमांस में बदल गई। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर शादी कर ली, लेकिन जब अरुणा ईरानी को सच पता चला तो वो काफी सदमे में चली गईं। बता दें कि कुकू कोहली बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर्स में से एक रहे हैं, जिन्होंने फूल और कांटे, सुहाग, हकीकत, ये दिल आशिकाना और अनाड़ी नंबर 1 जैसी फिल्में निर्देशित की हैं। आगे अरुणा ईरानी ने इस इंटरव्यू में कहा था कि वो कुकू के बारे में बात करना पसंद नहीं करती थीं क्योंकि इससे शायद उनकी पहली पत्नी को अच्छा नहीं लगता और वो उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थीं। इसलिए कभी वो अपने पति या शादी के बारे में सार्वजनिक तौर पर बात नहीं करती थीं। उन्होंने बताया कि अब मैं इस बारे में बात कर रही हूं क्योंकि उनकी पत्नी कुछ महीने पहले ही गुजर गई हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं है। अरुणा ईरानी ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि शादी होने के बाद उनके पति कुक्कू कोहली ने उनके सामने ये भी शर्त रख दी थी कि वो इनसे कभी बच्चे पैदा नहीं करेंगे और इसके पीछे वजह थी पहले से उनका शादीशुदा बाल बच्चेदार होना। अरुणा ने इसे ही अपनी तकदीर मान ली और अब तो उन्हें इसका कोई मलाल भी नहीं है। हंसते अंदाज में उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि आज जब मैं अपने भतीजे भतीजियों को देखती हूं तो मुझे खुशी होती है कि मेरी कोई संतान नहीं है, वरना जेनरेशन गैप की वजह से शायद मुझे बहुत परेशानी हो जाती। अरुणा जी के भाई बहनों की बात करें तो उनके 3 भाई काफी मशहूर हुए। एक भाई हैं जाने माने फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार, जिन्होंने दिल, बेटा और इश्क जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई। इसके अलावा उनके 2 और भाई भी एक्टर हैं, जिनके नाम हैं आदि ईरानी और फिरोज ईरानी। दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अरुणा ईरानी ने अपने करियर में 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। कभी चरित्र अभिनेत्री, कभी एक खूबसूरत डांसर, कभी लीड एक्ट्रेस के तौर पर, तो साथ ही कभी उन्होंने खलनायिका और खड़ूस सास सौतेली माँ के तौर पर भी अपनी एक पहचान बनाई और हर रोल में उन्होंने खूब तालियां बटोरी। और आज भी वो पूरी तरह से सक्रिय हैं और बिंदास अंदाज में अपनी जिंदगी जी रही हैं। बचपन से काम करती आई अरुणा जी की यही इच्छा है कि वो आखिरी सांस तक काम करें और हमारी यही प्रार्थना है कि वो ऐसे ही शानदार अंदाज में काम करती रहें। हमारी टीम की तरफ से अरुणा जी को ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको अरुणा ईरानी की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है ये भी बताना मत भूलिएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप भी मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रेवल ब्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहाँ आपको अलग अलग जगहों, मोनूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ और अनटोल्ड बॉलीवुड स्टोरीज के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी फिर मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।